TGT, PGT, LT ग्रेट, DSSSB की तैयारी करने वाले दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज ओझा आपके लिए लेकर आ गया हूँ वन वर्ड यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच और वन वर्ड यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि एक ही शब्द कई बार कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है और UPTGT 2021 से कुछ सीखते हुए हमें इस पहलू पर विशेष ध्यान देना होगा। और दोस्तों शायद यही समय की मांग भी है कि हम अपने जो पेपर हो गए हैं उससे सीखें, जो नया पैटर्न शुरू हो गया है उसको एडॉप्ट करें। वही लकीर का फकीर काम नहीं करने वाला। तो आइए देखते हैं, हम जानते हैं दोस्तों राउंड को कितनी तरह से पूछा था, एक ही वर्ड था, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुआ था। तो उसी पैटर्न पे मैंने ये कुछ वर्ड्स मैं लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अबाउट को देखते हैं दोस्तों, एज एन एडवर्ब कैसे यूज होता है अबाउट का। एज एन एडवर्ब, दे वॉन्डर्ड अबाउट इन शीप स्किन्स एंड गोट स्किन्स। दे वॉन्डर्ड अबाउट, जब वांडर अबाउट होगा तो अबाउट वहां पर क्या होगा दोस्तों, एडवर्ब की तरह यूज होगा, ध्यान रखिएगा। वांडर अबाउट प्रेपोजिशन के रूप में कैसे यूज होगा, देखिए दोस्तों, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, ये ध्यान में रखिएगा। जब प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है ये, तो कैसे यूज होता है, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, देयर इज समथिंग worrying about him, there is something bad about him। यहाँ हर एक जो example मैं आपको दे रहा हूँ इस तरह ये pattern होता है preposition में use होने का about का। Next चलते हैं above पे दोस्तों, ये कैसे use होता है, above को adverb की तरह कैसे use करते हैं। The heavens are above, verb की विशेषता यहाँ बता रहा है, heavens are above, okay, heavens are above, तो यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है दोस्तों। प्रेपोजिशन के रूप में देखते हैं, द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ, इज अबव द सिविल लॉ, मॉरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ। इस तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस तरह यूज होगा जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और ऑब्जेक्ट के पहले, तो प्रेपोजिशन के रूप में ऐसे यूज होता है दोस्तों। जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अबव द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इस तरह यूज होगा दोस्तों। नेक्स्ट एडजेक्टिव के रूप में यूज, एनालाइज द अबव सेंटेंस, सेंटेंस की विशेषता बता रहा है कैसा है, ऊपर का जो सेंटेंस है उसको एनालाइज कीजिए, एडजेक्टिव के रूप में ऐसे यूज होगा दोस्तों, आपको रिकॉग्नाइज करना है एग्जाम में। नाउन के रूप में देखते हैं दोस्तों, और ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, हमारी जो ब्लेसिंग्स है कहाँ से आती हैं, ऊपर वाले से आती हैं, कम फ्रॉम अबव, अबव यहाँ पर नाउन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कम फ्रॉम अबव, अबव का मतलब आकाश से, अबव का मतलब ऊपर वाले के यहाँ से, भगवान के यहाँ से, और ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। आफ्टर का यूज दोस्तों देखते हैं, ये मैं दोस्तों जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता था आपको, 50-100 क्वेश्चन दे देता, मैंने सोचा कुछ वो बनाए जो एग्ज़ाम में आने के लिए ज़्यादा प्रोबेबल है, जो TGT 2021 में जिस पैटर्न पे पूछा है वो पैटर्न PGT में भी दोहरा सकता है बोर्ड। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एडवर्ब आफ्टर को एडवर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। दे अराइव्ड सून आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पे एडवर्ब आफ्टर जो है सून की विशेषता बता रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं तो एडवर्ब कई चीज़ों की विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब की, वर्ब की और चीज़ों की, तो आप ध्यान में रखिएगा। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन इसलिए नहीं कि वो आपके एग्जाम में आएगी, बल्कि इसलिए कि कोई वर्ड अगर पूछ ले तो आपके दिमाग में रहे। जहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। आफ्टर, दे अराइव्ड सून आफ्टर। प्रेपोजिशन की अगर बात करें दोस्तों, कि प्रेपोजिशन के रूप में कैसे आफ्टर यूज होगा, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, टेक्स आफ्टर वर्ब ही है, ध्यान रखना, देखभाल करना, टेक्स आफ्टर हिज फादर। तो यहाँ पर आफ्टर कैसे यूज हुआ है दोस्तों, प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। एडजेक्टिव के रूप में आफ्टर कैसे यूज होता है, आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी, आफ्टर एजेस शैल
सिंग हिज ग्लोरी, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। एजेस को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। आफ्टर तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। एजेस नाउन है और एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप सबको पता होगी आई होप। कंजंक्शन, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, यहाँ पे एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है दोस्तों। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, आप मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि कौन सा कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मैंने ट्रिक इस पर भी बनाई है, मैंने ट्रिक इस पर भी बताई है रिकॉग्नाइज करने के लिए। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज किया जा रहा है दोस्तों आफ्टर को, क्योंकि दो यहाँ पे देखेंगे आप क्लॉजेस को जोड़ रहा है आफ्टर। ऑल एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं ऑल का यूज, ऑल मेन आर मॉर्टल, इट वॉज ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस, ऑल मेन आर मॉर्टल। आप देख रहे हैं मेन की विशेषता बताया जा रहा है कि ऑल मेन मृत प्राय है, मतलब एक ना एक दिन उनकी डेथ होनी है। ऑल मेन आर मॉर्टल, एडजेक्टिव के रूप में ऑल का यूज हुआ। एडवर्ब के रूप में ऑल का यूज देखते हैं दोस्तों, ही वॉज ऑल अलोन वेन आई सॉ हिम, ही वॉज ऑल अलोन एडवर्ब के रूप में यूज हो गया। वो कैसा था? ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला था जब मैंने उसे देखा। तो यहाँ पर एज एडवर्ब के रूप में आ रहा है, ही वॉज, वॉच के बारे में बता रहा है कि वो था कैसा, ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। तो वर्ब के बारे में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर, तो एडवर्ब की तरह इसका यूज हुआ है। प्रोनाउन की तरह यूज देखते हैं दोस्तों, ऑल स्पोक इन हिज फेवर, यहाँ पे ऑल एज ए सब्जेक्ट आया है, प्रोनाउन के रूप में आया है। प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है? नाउन की जगह पे आता है। ऑल, ऑल देखेंगे आप सब्जेक्ट के रूप में आया है। जब भी ऑल अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको दिखे तो आप समझ लीजिए एज ए प्रोनाउन उसका यूज हुआ है। नाउन के रूप में यूज देखते हैं दोस्तों, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, इन ऑल सब कुछ नाउन के रूप में आया है, उसने सब कुछ अपना खो दिया स्पेकुलेशन में, कयास लगाने में, अंदाजा लगाने में। ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, इन्हीं पे आते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव के रूप में एनी का यूज हम कैसे कहते हैं? आर देयर एनी विटनेस प्रेजेंट, विटनेसेस के पहले आ रहा है, मतलब नाउन के पहले आ रहा है एडजेक्टिव। जाहिर सी बात है अगर नाउन के पहले आके उसकी विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे एडजेक्टिव के रूप में एनी का यूज हुआ है। अगर प्रोनाउन की बात करें कैसे प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, तो डज एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू, सम ऑफ यू, ये रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि ये प्रोनाउन है। एनी ऑफ यू नो एनी थिंग अबाउट इट, तो एनी ऑफ यू, तो एनी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। एडवर्ब, इज दैट एनी बेटर, एडवर्ब के रूप में एनी बेटर, इज दैट एनी बेटर, तो यहाँ पे किस रूप में हो गया? एडवर्ब के रूप में हो गया, क्योंकि वर्ब के बारे में कुछ न कुछ बता रहा है। एज का यूज देखते हैं दोस्तों, एडवर्ब की तरह एज का यूज देखते हैं। वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, एज फास्ट एज, जब इस तरह यूज होता है दोस्तों तो वहाँ एडवर्ब होता है, एडवर्ब की तरह एज का यूज होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कंजंक्शन, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, चूंकि वो, यहाँ चूंकि के, जब कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तो चूंकि का अर्थ देगा, चूंकि वो गरीब था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। बिफोर का यूज देखते हैं दोस्तों, एडवर्ब के रूप में पहले आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, तो जब इस तरह यूज होता है आई हैव सीन यू बिफोर, इस पैटर्न पे आपको पैटर्न पकड़ना है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर बता रहे हैं, सीधे बताए चले जा रहे हैं, बस आपका, मेरा उद्देश्य है कि आप इसको 10 बार पढ़ लें और पैटर्न पकड़ लें, किस पैटर्न पे कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, किस पैटर्न पे प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है। ओके, ये मेरे समझाने मात्र से आपको नहीं आएगा, आपको कई बार इसे देखना पड़ेगा। एडवर्ब, आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव मेट यू बिफोर, आई वेंट देयर बिफोर, जब इस पैटर्न पे आएगा, इस तरह आएगा, तो वहाँ बिफोर एडवर्ब होगा दोस्तों। ये आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करके सीखनी है। प्रेपोजिशन के रूप में देख लेते हैं बिफोर को, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, ही केम बिफोर द अपॉइंट, वो जो उसका टाइम था, अपॉइंटेड टाइम था, उसके पहले आ गया। इस तरह जब यूज होगा तो प्रेपोजिशन के रूप में यूज होगा, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, ही केम, हाँ, दे वेंट देयर बिफोर देयर अपॉइंटेड टाइम, इस तरह जब यूज होगा। मैं कहने का मतलब जब वर्ब के बाद आएगा
वर्ब के बाद आएगा और उसके बाद भी कोई नाउन आए या ऑब्जेक्ट आए तब उस तरह प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है। कंजंक्शन की बात करते हैं दोस्तों, ही वेंट अवे बिफोर आई केम, ही वेंट अवे, जब भी जो आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट में यूज होता है बिफोर का, वो कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, आप याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट बेटर, एडजेक्टिव के रूप में, आई थिंक योर्स इज अ बेटर प्लान, योर्स इज अ बेटर प्लान, नाउन के पहले आ रहा है बेटर प्लान, बेटर वर्क, बेटर एनीथिंग, कोई भी चीज हो आप जब इस तरह यूज करते हैं तो बेटर एडजेक्टिव हो जाता है, बेटर एफर्ट आप कह सकते हैं। एडवर्ब के रूप में, आई नो बेटर, मैं ज़्यादा जानता हूँ, नो के बाद वर्ब हो गई, वर्ब के बाद बेटर आ गया, जाहिर सी बात है बेटर यहाँ पे एज एन एडवर्ब हो गया। नाउन की बात करें दोस्तों, अगर गिव प्लेस टू योर बेटर्स, जो आपसे बेहतर हैं उनको जगह दो, उनको इज्जत दो, उनके सामने सर झुकाना आपका, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। गिव प्लेस टू योर बेटर्स, ये बेटर्स यहाँ नाउन के रूप में आया है, ओके ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैटर्न याद रखिएगा। वर्ब, द बॉक्सेस विद विच ही प्रोवाइडेड मी बेटर द सैम्पल, जो बॉक्सेस में उसने मुझे प्रोवाइड किया था उसने सैम्पल को और अच्छा कर दिया, बेटर और अच्छा कर देना, ऐसे वर्ब के रूप में यूज होता है। तो ये मत सोचिएगा कि बेटर को एज अ वर्ब यूज नहीं करते। बोथ, बोथ को देखते हैं दोस्तों एडजेक्टिव के रूप में, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, मतलब तुम चिट भी अपनी पट भी अपनी ये नहीं कर सकते, मैं अगर फेवर में तर्क दे रहा हूँ तब भी तुम मेरी आलोचना कर रहे हो, अगर मैं उसके अगेंस्ट में तर्क दे रहा हूँ तब भी तुम मेरी आलोचना कर रहे हो। तो यू कैन ना, तो आप बोल सकते हो, जो इस तरह के कुछ लोग होते हैं इस तरह की प्रवृत्ति के, तो आप बोल सकते हो यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, चिट भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी ये नहीं चलेगा। तो बोथ वेज, वेज नाउन हो गया, उसके पहले बोथ आया है, बोथ वेज की विशेषता बता रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया बोथ। प्रोनाउन के रूप में देखते हैं, बताते हैं जब प्रोनाउन के रूप में आएगा तो बोथ ऑफ यू, सम ऑफ यू, ये ध्यान रखिएगा, एनी ऑफ यू, ईदर ऑफ यू, तो वो प्रोनाउन होगा दोस्तों, बोथ ऑफ देम आर डेड, ये प्रोनाउन की तरह हो गया। कंजंक्शन देखते हैं, बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज, बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज, दोनों यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया है दोस्तों, जब इस तरह इस पैटर्न पे आएगा तो कंजंक्शन होगा, बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज, ये ध्यान में रखिएगा। बट का यूज इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब के रूप में देखते हैं, इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स, बट यहाँ पे ओनली का अर्थ दे रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एडवर्ब है, एडवर्ब क्यों है, इट इज बट, इट इज ओनली, इस के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट, मतलब यहाँ ओनली का बट अर्थ देगा, जहाँ पर ओनली का अर्थ देगा वहाँ पर एडवर्ब होगा, कि मतलब हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और वही सही भी है। प्रेपोजिशन के रूप में देखते हैं, बट का यूज, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यहाँ पे बट प्रेपोजिशन के रूप में जब यूज होगा तो एक्सेप्ट का अर्थ देगा सिवाय, कोई और नहीं सिवाय, सिर्फ और सिर्फ जो बहादुर हैं वो जो अच्छा फेयर के लिए डिजर्व करते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए डिजर्व करते हैं, तो नन बट जब एक्सेप्ट का अर्थ दे तो वहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा। कंजंक्शन की बात करें, वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, अब वी दो क्लॉजेस को जोड़ा गया, देखिए वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, तो यहाँ पर जब दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा बट, तो वहाँ पर एज ए कंजंक्शन यूज होगा, और यहाँ पे बताइएगा कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, या ये सेंटेंस किस में है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बताइए कॉमेंट सेक्शन में, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सुनने से तो बेटर ही लगता है जब आप जवाब देते। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं दोस्तों, बट का यूज, देयर इज नो वन बट लाइक हिम, देयर इज नो वन, मतलब यहां पे बट क्या अर्थ दे रहा है, हु डज नॉट लाइक हिम, ओके, बी देयर इज नो वन बट लाइक हिम, मतलब उसको सभी, हु डज नॉट लाइक हिम, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब यूज होगा तो ऐसे यूज होगा, देयर इज नो वन बट लाइक हिम, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो उससे प्यार नहीं करता, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। डाउन के रूप में देखते हैं, डाउन को कैसे यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में, डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज, जो रॉयल जॉर्ज है वो नीचे गया, डाउन वेंट,
मतलब यहाँ वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, एडवर्ब की तरह आया है, डाउन वेंट द रॉयल जॉर्ज, यहाँ पे नाउन रॉयल जॉर्ज है, सब्जेक्ट की तरह है, ओके okay? इसमें एक तरह से इन्वर्जन का यूज हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब के ऑर्डर को चेंज किया गया है, आपको पहचानना पड़ेगा इसमें। अगर सब्जेक्ट भी पूछ दे, सब्जेक्ट पूछ दे तब भी आपको इसमें दिमाग रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट बाद में आया हुआ है, ओके okay? तो डाउन यहाँ पर क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। प्रेपोजिशन को देखते हैं दोस्तों, द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल, रशिंग डाउन द हिल, द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल, जो फायर इंजन है वो बिल्कुल पर्वतों से ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल दौड़ते हुए चला आ रहा है पर्वतों से बिल्कुल नीचे की तरफ, रशिंग डाउन द हिल, रशिंग वर्ब, उसके बाद डाउन, फिर से ऑब्जेक्ट या नाउन, इस पैटर्न पे जब भी होगा तो वो वर्ड एज ए प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है, रशिंग डाउन द हिल। एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, द पोर्टर वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, डाउन ट्रेन आप जानते ही होंगे, जाने वाली ट्रेन, आने वाली ट्रेन, ओके तो डाउन ट्रेन, द पोर्टर वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में डाउन का यूज हुआ है, जो डाउन ट्रेन है, ओके okay? दो तरह की ट्रेन होती है, एक जाने वाली ट्रेन, एक आने वाली ट्रेन, तो जो डाउन ट्रेन है उससे मारा गया, जो आने वाली ट्रेन है, ओके okay? नाउन के रूप में देखते हैं, ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, उसने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उतार चढ़ाव क्या हो जाते हैं दोस्तों, नाउन हो जाता है, अप्स एंड डाउन्स के रूप में जब आएगा तो नाउन हो जाएगा। वर्ब की बात करें, डाउन विद द टायरेंट, डाउन मतलब होता नहीं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो जो अत्याचारी है उसका नाश हो ये कहा जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है, डाउन मतलब वो बिल्कुल उसकी क्षय हो, उसका नाश हो, इस अर्थ में। इधर का यूज़ देखते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, इधर बैट इज़ गुड इनफ, अब एडजेक्टिव के रूप में आया है कि दोनों बैट बहुत अच्छे हैं, ओके बैट के पहले आया है इधर, इधर ऑफ यू या इधर ऑफ द बैट होता तब इधर प्रोनाउन का काम करता दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहाँ पे इधर बैट, इधर ऑफ यू ऐसे नहीं आया है, इधर बैट इज़ गुड इनफ, यहाँ पे इधर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन के रूप में इधर का यूज कैसे होगा, आस्क इधर ऑफ देम, देखिए ऑफ आ गया, अब यहाँ पे जब इधर ऑफ देम, सम ऑफ देम जब ऐसे यूज होगा तो वो वहाँ पे सम ईदर प्रोनाउन हो जाएंगे। कंजंक्शन की बात करें, ही मस्ट ईदर वर्क आर स्टार्ट, ईदर और का यूज होगा तो वहाँ कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, कोड बताया हूँ, देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोज में। एल्स एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, समथिंग एल्स फॉर यू, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ आया है एल्स, समथिंग एल्स और कुछ भी है फॉर यू। एडवर्ब के रूप में देखते हैं, शैल वी लुक एनीवेयर एल्स, एडवर्ब के रूप में एनीवेयर एल्स, शैल वी गो एनीवेयर एल्स, जैसे ऐसे यूज करते हैं तो वहां पे भी एडवर्ब के रूप में आएगा। हाँ, ही वेंट एनीवेयर एल्स, ही वॉज सर्चिंग समवेयर एल्स, जो भी ऐसे यूज होंगे वहां पे एडवर्ब के रूप में एल्स का यूज होगा। कंजंक्शन की बात करें, मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो का जब अर्थ दे कि नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे, जब नहीं तो का अर्थ दे तो वहाँ पे कंजंक्शन की तरह एल्स का यूज होता है। एनफ की बात करते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है एनफ, देयर इज टाइम एनफ एंड टू स्पेयर, यहाँ पे एनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टाइम एनफ भले लिखा हुआ है लेकिन उसका मतलब हुआ एनफ टाइम, पर्याप्त समय, ओके तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में। एडवर्ब के रूप में देखते हैं दोस्तों, यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन, यू नो वेल एनफ, वेल एनफ, यहाँ पे एनफ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, आई नो वेल एनफ वट डू यू वॉन्ट टू से, तो वेल एनफ इस तरह का जब एक्सप्रेशन आता है दोस्तों तो वहाँ पे एनफ क्या, एडवर्ब हो जाता है। नाउन की बात करें, आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, एनफ ऑफ दिस, यहाँ पर नाउन के तरह यूज हो गया दोस्तों, एनफ ऑफ दिस, एनफ ऑफ योर बुलीनेस, तुम्हारी ये गुंडई बहुत हो गई, enough of your bullshit, तुम्हारी ये बकवास बहुत हो गई, तो इस तरह जब यूज होगा तो नाउन के रूप में यूज होगा। इवन की बात करें, इवन एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज होता है, चांसेज आर इवन, चांसेज आर, चांसेज कैसे हैं, बराबर के चांस हैं, द चांसेज आर इवन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया दोस्तों। और देखते हैं जैसे कुछ जगहों पे एडजेक्टिव कैसे हो जाता है, जैसे दिस पेन इज ब्लैक, That pen is white, is white, तो वहाँ पर ये सब adjective है, white, black,
तो इसी तरह इवन का यूज किया गया था, चांसेज आर इवन। वर्ब के रूप में लेट अस इवन द ग्राउंड, इवन मतलब समतल करना, किसी चीज़ को समतल करना, यहाँ पे जब वर्ब के रूप में आया है आपको पैटर्न पकड़ना होगा। एडवर्ब के रूप में देखते हैं इवन का यूज, डज ही इवन सस्पेक्ट द डेंजर, डू यू इवन नो माय नेम, डू यू इवन वेंट देयर वंस, ऐसे जब यूज होगा तो एडवर्ब के रूप में यूज होगा। एक्सेप्ट की बात करें दोस्तों एक बात बता दें, वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, ये चीज़ें वो नहीं है कि आप एक बार समझ लिए या कोई जादू की घुट्टी है आपको पिला दिया गया, ऐसे नहीं हो सकता, आपको बार बार देखना पड़ेगा और आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगर मेरा समझाया हुआ समझ में आ जाता है या यहाँ से भी बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, आपको अगर कई बार जल्दी हो लगे कि सर बहुत धीमा पढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड तेज कर सकते हो, यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, स्पीड को 1.5 गुना कर सकते हो, 2 गुना कर सकते हो, तो उससे जल्दी जल्दी मेरी आवाज़ आने लगेगी। फिर वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट को वर्ब के रूप में कैसे, इफ़ वी एक्सेप्ट हरी, एक्सेप्ट हरी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड। एक्सेप्ट का यहाँ पे अर्थ है छोड़ देना, अगर हम हरी को छोड़ दें तो सब दोषी हैं। एक्सेप्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है, छोड़ देने के अर्थ के रूप में आया है, प्रेपोजिशन के रूप में एक्सेप्ट कर, ऑल द ब्रदर्स वर इन इजिप्ट एक्सेप्ट बेंजामिन, एक्सेप्ट बेंजामिन मतलब बेंजामिन को छोड़ के सब वहाँ पे, जब इस तरह यूज होगा, ऑल वर देयर एक्सेप्ट सीता, ऑल वर देयर एक्सेप्ट राम, तो यहाँ पे इस तरह जब यूज होगा तो प्रेपोजिशन के रूप में यूज होगा, वर्ब के रूप में इफ वी एक्सेप्ट राम एवरीबॉडी इज गिल्टी, मैं अगर राम को छोड़ दें तो सब गिल्टी हैं, तो उस तरह वर्ब के रूप में यूज होता है, प्रेपोजिशन के रूप में इस तरह यूज होता है। कंजंक्शन की बात करें, आई विल नॉट लेट दी गो एक्सेप्ट दाउ ब्लेस, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते आपको मैं जाने नहीं दूंगा। ओके, ये जब तक का जब अर्थ देता है, आई विल नॉट लेट दी गो एक्सेप्ट मतलब अनलेस का जब अर्थ देगा तो वहां पे कंजंक्शन माना जाएगा। फॉर का यूज देखते हैं दोस्तों, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन के रूप में कैसे यूज होगा, आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, ओके मैं शिफ्ट कर सकता हूँ अपने लिए। ओके, तो यहाँ पे शिफ्ट फॉर, जब ऐसे वर्ब के बाद तुरंत आए जान लीजिए प्रेपोजिशन के रूप में फॉर यूज हो रहा है। कंजंक्शन, गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, क्योंकि का जब अर्थ दे तो कंजंक्शन, फॉर जब क्योंकि का अर्थ दे तो कंजंक्शन हो जाएगा। लेस को एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, लेस को दोस्तों यू आर पेइंग लेस, तुम कम पे कर रहे हो, यू आर पेइंग लेस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ। अटेंशन टू योर स्टडीज देन यू यूज टू डू, अटेंशन यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज देन यू यूज टू डू, अच्छा पूरा सेंटेंस ये है दोस्तों, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज देन यू यूज टू डू, अब तुम जितना पहले करते थे अटेंशन, जितना ध्यान देते थे अपनी पढ़ाई पे, अब नहीं ध्यान देते हो, ये मतलब है दोस्तों, टोटल सेंटेंस ये है। तो यहाँ पे पेइंग लेस अटेंशन, अटेंशन ध्यान का ध्यान, एक अटेंशन यहाँ नाउन है, नाउन के पहले लेस आया हुआ है, लेस के नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है लेस का। एडवर्ब की बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस दैन, जब लेस दैन होगा वहाँ पे जान लीजिए एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। नाउन, ही वांट्स 600 रुपीज फॉर दैट वॉच, ही वोंट बी सेटिस्फाइड विद लेस, ही won't be satisfied with less. I will not be satisfied with less. I need 100 rupees. I will not satisfied with less. इस तरह जब यूज होगा तो नाउन का यूज होगा, लेस जब आएगा। लाइक का यूज देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव की बात करें, दे आर मैन ऑफ लाइक बिल्ड एंड स्टेचर, लाइक बिल्ड एंड स्टेचर मतलब वो जो लोग हैं, आदमी हैं, उनका सबका मतलब जो शरीर का ढांचा है और जो शरीर का कद काठी है मिलती है उन लोगों की आपस में, लाइक बिल्ड एंड स्टेचर। राम एंड श्याम आर द बॉयज ऑफ लाइक बिल्ड एंड स्टेचर मतलब उनके एक ही तरह है शरीर। प्रेपोजिशन के रूप में लाइक का यूज देखते हैं, डू नॉट टॉक लाइक दैट, डू नॉट टॉक लाइक फूल्स, डू नॉट टॉक लाइक मतलब एनीथिंग, तो इस तरह यूज होगा तो प्रेपोजिशन के रूप में यूज होगा दोस्तों। अगर हम दोस्तों एडवर्ब की बात करें तो लाइक एज अ फादर पिटीएथ हिज ओन चिल्ड्रन, लाइक एज अ फादर, जब लाइक एज अ फादर, लाइक एज अ मदर इस तरह यूज होगा तो एडवर्ब की तरह यूज होता है दोस्तों। नाउन की बात करें अगर हम, वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन,
वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन. लाइक यहाँ पर पसंद का अर्थ दे रहा है कि उसकी पसंद को हम फिर से नहीं देखेंगे. सी हिज लाइक मतलब यहाँ पसंद का अर्थ दे रहा है. वर्ब चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, आई लाइक नमकीन, आई लाइक स्नैक्स, एनी थिंग, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो गया. लिटिल को देखते हैं दोस्तों, लिटिल का कैसे यूज होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में. एडजेक्टिव के रूप में देयर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. नाउन के रूप में यूज देखते हैं, मैन वॉन्ट्स बट लिटिल हियर बिलो, बट लिटिल हियर बिलो, मैन वॉन्ट्स बट लिटिल हियर. ओके, तो नाउन के रूप में बट लिटिल मतलब यहाँ थोड़ा, नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हो गया. एडवर्ब ही ईट्स वेरी लिटिल, ही ईट्स वेरी लिटिल, तो यहाँ पर एडवर्ब के रूप में लिटिल का यूज हो गया दोस्तों, ध्यान में रखिएगा. मोर को देखते हैं दोस्तों, किस तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है. एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, ही वांट्स मोर मेन लाइक हिम, मोर मेन लाइक हिम, मोर देन नहीं आया है, मोर मेन लाइक हिम. आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स लाइक यू, आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स, मोर एस्पिरेंट्स लाइक यू. जब इस तरह यूज होगा, इस पैटर्न को पकड़ो, इस पैटर्न पे यूज होगा दोस्तों, तब वहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज होगा मोर, प्रोनाउन की तरह मोर ऑफ अस, मोर ऑफ देम. जब इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो वहाँ एडजेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा. एडवर्ब की तरह यू शुड टॉक लेस एंड वर्क मोर, जब इस तरह यूज होगा तो वहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क मोर, स्लीप मोर, स्टडी मोर, तो ये एक्सप्रेशन एडवर्ब की तरह. मच का यूज देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों. एडजेक्टिव के रूप में देयर इज मच सेंस, एडजेक्टिव हो गया मच सेंस. नाउन के बारे में बता रहा है कि अधिक सेंस. इन व्हाट ही सेज, प्रोनाउन के रूप में मच ऑफ इट, सम ऑफ इट, बताया आपको, आपको अगर थोड़ा भी अगर आप समझ के चल रहे होंगे तो पकड़ लेंगे कि प्रोनाउन के रूप में मच, मच ऑफ इट इज ट्रू. एडवर्ब के रूप में ही बोस्ट टू मच, जब टू मच इस तरह आए तो एडवर्ब होता है. नियर को देखते हैं दोस्तों, एडवर्ब की तरह नियर का यूज कैसे होता है. ड्रॉ नियर एंड लिसन, ड्रॉ नियर नज़दीक आओ और सुनो, ड्रॉ नियर, ओके, इस तरह यूज होगा. तो एडवर्ब के रूप में, प्रेपोजिशन के रूप में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. हिज हाउस इज नियर द टेम्पल, नियर द टेम्पल, इज नियर द टेम्पल, माई हाउस इज नियर द बैंक, ओके, तो इस तरह यूज होता है. तो प्रेपोजिशन के रूप में नियर का यूज होता है. एडजेक्टिव को देखते हैं दोस्तों, ही इज नियर, ही इज अ नियर रिलेशन, वो नज़दीक के रिश्ते का है. नियर रिलेशन नाउन है ना, नाउन के जस्ट पहले नियर आया है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, रिलेशन के बारे में कुछ बता रहा है. नियर रिलेशन नज़दीक का रिलेशन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इस तरह यूज होता है. वर्ब की बात करें, ये देखिए दोस्तों, द टाइम नियर्स, समय आ गया है, ओके, जब हमें अपना जो हमने पढ़ाई की है वो दिखाना चाहिए एग्जाम हॉल में. समय आ गया है, द टाइम नियर्स, द टाइम ऑफ द एग्जाम नियर्स, वर्ब के रूप में. नीड्स, लेट्स सी द यूज ऑफ नीड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, माई नीड्स आर फ्यू, मेरी आवश्यकताएं कम है, ओके, माई नीड्स आर फ्यू, माई नीड्स आर वेरी लैविश, माई नीड्स आर नॉट वेरी लैविश, इस तरह जब यूज होगा तो नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, इट नीड्स टू बी डन विथ केयर, वर्ब के रूप में आवश्यकता होना जब होगा, इट नीड्स टू बी डन. देखो, इट, इट के बाद नीड्स आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल फॉलो किए गए हैं. आप खुद ही डिटेक्ट कर लोगे कि कहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ. एडवर्ब के रूप में, ही नीड्स मस्ट कम, ही नीड्स मस्ट कम, तो जब इस तरह दोस्तों यूज होगा, इस पैटर्न पे, ही नीड्स मस्ट कम, ठीक, तो वहां पर एडवर्ब के रूप में यूज होगा. नीदर का देखते हैं दोस्तों, या जिसे नाइदर भी आप बोलते हैं, दोनों प्रोनंसिएशन इक्वली सही है. कंजंक्शन की बात करें, नीदर कैसे यूज होता है. नीदर नॉर का यूज आप जानते ही हैं, तो नीदर नॉर के रूप में जब यूज होगा तो कंजंक्शन के रूप में यूज होगा. एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, गिव मी नीदर पॉवर्टी नॉर रिचेस. एडजेक्टिव के रूप में, नीदर अक्यूजेशन, कोई भी आरोप, नीदर अक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी आरोप सही नहीं है. नीदर अक्यूजेशन, नीदर ब्लेम्स आर ट्रू, ओके, नीदर फैन इज गुड. प्रोनाउन के रूप में, इट इज डिफिकल्ट टू नेगोशिएट वेयर नीदर विल ट्रस्ट,
नीदर विल ट्रस्ट, नीदर एज ए नाउन आया है, नाउन के स्थान पे कौन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नीदर विल ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा आप पे, नीदर विल ट्रस्ट। नेक्स्ट के रूप में देखते हैं कैसे, नेक्स्ट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज करते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव, आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे, एडजेक्टिव के रूप में नेक्स्ट मंडे, मंडे इज अ नाउन एंड इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट मंडे, नेक्स्ट मंडे, ओके। तो हियर मंडे इज नेक्स्ट इज यूज एज अ एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप में व्हाट नेक्स्ट, वॉट नेक्स्ट, आगे क्या, जब इस तरह यूज होगा तो एडवर्ब के रूप में यूज होता है दोस्तों। प्रेपोजिशन, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट हर, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जब इस तरह यूज होगा, इस पैटर्न पे यूज होगा तो प्रेपोजिशन के रूप में यूज माना जाएगा नेक्स्ट का। नाउन, आई शैल टेल यू मोर अबाउट इट इन माई नेक्स्ट, इन माई नेक्स्ट, अपने अगले जो वीडियो होगा उसका अगला, या जो उसका अगला लेक्चर होगा, या उसकी जो अगली वार्ता होगी उसमें बताएगा। तो जब इस तरह यूज हो तो नाउन की तरह यूज होता है। नो का यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, 2021 TGT के पैटर्न को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, इसको मिस मत कीजिए, एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको वही बताता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद है, सीधी बात, नो बकवास। आते हैं एडजेक्टिव, इट इज नो जोक, नो जोक, इट इज नो जोक, जब इस तरह यूज होगा तो एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब के रूप में ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, एडवर्ब के रूप में नो मोर, मोर के पहले आ गया, ही इज नो मोर। इट इज नो जोक, जोक वहां नाउन था, यहां पे मोर, नो मोर एडवर्ब के रूप में, चूंकि यहां पे मोर की विशेषता बता रहा है। नाउन, आई विल नॉट टेक अ नो, मुझे ना नहीं सुननी है, जब ये अर्थ दे तो नाउन के रूप में आज यूज होता है। आई विल नॉट टेक अ नो। वंस का यूज देखते हैं दोस्तों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आई वॉज यंग वंस, एडवर्ब के रूप में, यंग वंस में, कभी मैं भी जवान हुआ करता था, आई वॉज यंग वंस, इस तरह का एक्सप्रेशन दे तो एडवर्ब के रूप में यूज होता है वंस का। कंजंक्शन, वंस ही हेजिटेट्स वी हैव हिम, वंस ही हेजिटेट, एक बार वो अगर हेजिटेट होता है, वी हैव हिम, ओके। तो इस तरह जब यूज होगा तो कंजंक्शन के रूप में ये यूज होगा दोस्तों। वंस ही एजिटेट्स वी हैव हिम, वंस ही स्टार्टेड डूइंग मिस्टेक्स वी विल ओवर पावर हिम, ऐसे जब यूज होगा दोस्तों तो वो कंजंक्शन के रूप में यूज होगा। नाउन के रूप में यूज देखते हैं, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, एक बार हमारी मदद करो, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, इस तरह जब ये एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे, प्लीज हेल्प मी फॉर वंस, गिव मी योर बुक फॉर वंस, गिव मी एनीथिंग फॉर वंस, तो इसमें इस तरह का जब यूज होता है दोस्तों तो वंस यहाँ पे नाउन होता है। वन का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज देखते हैं। एडजेक्टिव के रूप में वन डे, एडजेक्टिव हो गया, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। वन डे आई मेट हिम इन द स्ट्रीट। प्रोनाउन के रूप में दिस लिट, द लिटिल वंस, द बिग वंस, स्मॉलर वंस, बिगर वंस, यहाँ पे कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोनाउन के रूप में इस तरह का यूज होता है। नाउन के रूप में वन वुड थिंक ही वॉज मैड, कोई भी सोचेगा कि वो पागल है जिस तरह वो बिहेव कर रहा है, तो जहाँ पे कोई भी कार देता है वहाँ पे नाउन के रूप में यूज होता है। ओनली का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं यूज दोस्तों। एडजेक्टिव, इट वॉज हिज ओनली चांस, ओनली चांस, उसका एकमात्र चांस था, बचा हुआ था। एडवर्ब, ही वॉज ओनली फूलिश, वो केवल मूर्ख था, जब इस तरह ओनली फूलिश, ओनली मैड, जब इस तरह यूज होगा तो एडवर्ब के रूप में। कंजंक्शन के रूप में टेक व्हाट आई हैव ओनली लेट मी गो, जो भी मेरे पास है ले लो, केवल मुझे जाने दो, ओनली लेट मी गो, जब इस तरह यूज होगा, इस पैटर्न पे यूज होगा तो कंजंक्शन होगा। ओवर का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज देख लेते हैं दोस्तों। एडवर्ब के रूप में रीड इट ओवर केयरफुली, रीड इट ओवर केयरफुली, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहां पे ओवर का यूज हुआ है एडवर्ब के रूप में, रीड इट ओवर, ओके। नाउन के रूप में इन वन ओवर ही टुक 3 विकेट्स, जो क्रिकेट वाला ओवर होता है वो नाउन होता है, जाहिर सी बात है। प्रेपोजिशन, एट 30 अ चेंज केम ओवर हिम, एट 30 अ चेंज केम ओवर हिम, यहां पे चेंज केम ओवर हिम, ओके। जब इस तरह यूज होता है, रिचेस केम ओवर हिम, जब इस तरह यूज होगा तो वहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज होगा। राइट की बात करें दोस्तों, राइट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज करते हैं। दिस इज अ फॉल्ट दैट विल राइट इट सेल्फ,
दिस इज़ अ फॉल्ट दैट विल राइट इट सेल्फ, ये वर्ब के रूप में यूज हो गया कि वो गलती है जो अपने आप को खुद ही, ये गलती ही अपने आप को सही करेगी समय आने पे, दैट विल राइट इट सेल्फ। यहाँ पे वर्ब के एडजेक्टिव के रूप में ही इज़ द राइट मैन, ही इज़ द राइट बॉय, ही इज़ द राइट एस्पिरेंट, इस तरह जब यूज होता है दोस्तों तो एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। नाउन के रूप में आई आस्क इट एज आई एज अ राइट, नाउन के रूप में आई आस्क इट एज अ राइट, मैं इसे एक राइट की तरह पूछ रहा हूँ, ये पूछना मेरा अधिकार है। जब अधिकार के अर्थ में आएगा दोस्तों तो नाउन हो जाएगा, एडवर्ब के रूप में सर्व्स हिम राइट, ही स्टूड राइट इन माई वे, एडवर्ब के रूप में सर्व्स हिम राइट, यहाँ सर्व के बारे में बता रहा है, स्टूड राइट इन माई वे, ही स्टूड, ही केम राइट इन माई वे, इस तरह जब यूज होगा दोस्तों तो एडवर्ब के रूप में यूज माना जाएगा। राउंड जो कि पूछा गया है यूपी टीजीटी 2021 में, कई तरह से देख लेते हैं, स्क्वायर पेग इज अ राउंड होल, राउंड होल, राउंड कैरेक्टर, जानते हैं राउंड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है मुझे बताइएगा, भले ही ग्रामर है बताइएगा। तो राउंड के रूप में यूज कैसे होगा, स्क्वायर पेग इज अ राउंड होल, जब इस तरह यूज होगा एडजेक्टिव होगा। नाउन के रूप में द इवनिंग वॉज अ राउंड ऑफ प्लेजर्स, अ राउंड ऑफ प्लेजर्स, जो शाम थी वो बिल्कुल बहुत एक आनंदमय थी, अ राउंड ऑफ प्लेजर्स, ये एक्सप्रेशन जब यूज होता है इस तरह तो नाउन होता है। एडवर्ब के रूप में ही केम राउंड टू देयर बिलीफ, एडवर्ब के रूप में यूज हो गया ही केम राउंड टू देयर बिलीफ, घूम फिर कर अपने विश्वास पे आ गया, अपनी मान्यताओं पे आ गया। प्रेपोजिशन के रूप में द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो गया कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। वर्ब के रूप में वी शैल राउंड द केप इन सेफ्टी, वर्ब के रूप में वी शैल राउंड, यहाँ पे घूमने के अर्थ में आ गया, ठीक, जो एक रोटेट करना घूमना उस अर्थ में, राउंड द केप इन सेफ्टी। सिंस का यूज देखते हैं दोस्तों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रेपोजिशन में देखते हैं, सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम, सिंस दैट डे, उस दिन से, जब इस अर्थ में आता है कि उस दिन से मैंने उसे नहीं देखा, सिंस दैट नाइट आई नेवर मेट हर, सिंस दैट फेस्टिवल आई नेवर एंजॉयड एनी फेस्टिवल, इस तरह जब यूज होगा तो प्रेपोजिशन के रूप में सिंस प्रेपोजिशन, कंजंक्शन के रूप में सिंस देयर इज नो हेल्प, क्योंकि का जब अर्थ दे तो कंजंक्शन के, सिंस देयर इज नो हेल्प, क्योंकि कोई मदद नहीं मिली, कम लेट अस किस एंड पार्ट, ओके, चूंकि कोई हेल्प नहीं है आओ एक दूसरे का को प्यार करते हैं और अलग हो जाते हैं, किस एंड पार्ट, कंजंक्शन के रूप में ये यूज हो गया दोस्तों। सिंस जब क्योंकि का अर्थ दे तो वहां पे कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। एडवर्ब आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, उसे मैंने तब से नहीं देखा है, तो तब से का जब अर्थ दे तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सो को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं प्यारे दोस्तों, आई एम सो सॉरी, जब हम बोलते हैं आई एम सो सॉरी तो सो एडवर्ब होता है, ध्यान में रखिए, बार बार पढ़ना पड़ेगा। कंजंक्शन ही वॉज पुअर सो दे हेल्प्ड हिम, कंजंक्शन के रूप में जब दो क्लाजेस को जोड़ेगा तो कंजंक्शन के रूप में, क्यों वो गरीब है इसलिए का जब अर्थ दे तो कंजंक्शन हो जाएगा। सम का देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज, वी मस्ट फाइंड सम वे, एडजेक्टिव हो गया, सम वे कुछ रास्ता, वे नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, सम प्रोनाउन, सम से वन थिंग एंड अदर्स अनदर, या सम ऑफ देम, ये भी प्रोनाउन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, या सम से, जब सम को नाउन की जगह यूज किया जाएगा, जब सब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो वहाँ पे प्रोनाउन होगा। एडवर्ब की तरह सम 30 चीप्स, अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा सम 30 चीप्स और प्रेजेंट, सम 30 चीप्स, कुछ एक 30 आदमी कहता नहीं, कुछ एक इतने लोग आए थे, कुछ एक 100 लोग आए हुए होंगे या कुछ एक 50 लोग आए थे, तो यहाँ पे जब कुछ एक का अर्थ दे सम 30 चीप्स वो प्रेजेंट। स्टिल को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। वर्ब विद हिज नेम द मदर्स स्टिल्ट देयर बेब्स, विद हिज नेम द मदर स्टिल्स देयर बीप्स, स्टिल मतलब जब स्थिर रखना के अर्थ में होता है, स्टिल्ट हो गया दोस्तों, स्टिल होगा तो स्टिल देयर बीप्स, तो स्टिल जब स्थिर रखने के अर्थ में होता है, स्थिर रखना किसी चीज़ को, तो वहाँ पे वर्ब होता है। एडजेक्टिव के रूप में स्टिल वाटर रन्स डीप, स्टिल वाटर की विशेषता बता रहा है, शांत वाटर, स्थिर वाटर मतलब स्थिर पानी, तो स्थिर यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन के रूप में हर सॉब्स कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट,
रात्रि के सन्नाटे में, रात्रि की स्थिरता में, रात्रि की शांति में, यहाँ शांति का अर्थ दे रहा है नाउन है, उसकी सुबकियाँ जो आदमी धीमे धीमे रोता है वो सुनी जा सकती हैं। एडवर्ब, ही इज स्टिल इन बिजनेस, ही इज स्टिल इन बिजनेस, ही इज स्टिल स्टडिंग, ही इज स्टिल टेकिंग लेक्चर्स, ही इज स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में जब इस तरह का एक्सप्रेशन यूज होता है सच, एडजेक्टिव के रूप में सच का यूज देखते हैं दोस्तों, डोंट बी इन सच अ हरी, एडजेक्टिव हो गया, डोंट बी इन सच अ हरी, तो यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन जो होता है डोंट बी इन सच अ हरी, डोंट डू सच अ फूलिश थिंग, जब इस तरह का यूज होगा दोस्तों तो वहाँ पे एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन को में सच का यूज कैसे करते हैं, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, मेरा ये इंटेंशन नहीं था जो आप समझ रहे हो, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, सच वॉज नॉट माई फॉल्ट, सच वॉज नॉट माई बिहेवियर, जब इस तरह यूज होगा तो ये प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज देखते हैं दोस्तों, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं दोस्तों, वॉट इज दैट नॉइज, वो कैसी आवाज़ थी, दैट नॉइज, दैट का दैट नॉइज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव भी सिंपल आप जानते रहिए, दैट नॉइज उस आवाज़ की बात कर रहा है, नॉइज की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों, दैट इज वॉट, जब भी प्रोनाउन के रूप में यूज होगा एज ए सब्जेक्ट आएगा, दैट इज देखिए सब्जेक्ट, फिर इज वर्ब, दैट इज वॉट आई वॉन्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब के रूप में आई हैव डन दैट मच ओनली, आई हैव डन दैट मच ओनली, तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हो गया आई हैव डन दैट मच ओनली, तो यहाँ पर आई हैव डन दैट मच ओनली, तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं, द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो गया, इविल, द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। कंजंक्शन का, ही लिव्स सो दैट ही मे ईट, सो दैट के रूप में जब यूज होगा तो कंजंक्शन के रूप में यूज होगा दोस्तों। द का यूज देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल के रूप में, ही द कैट लव्स कम्फर्ट, यहाँ पे ही है, द समझिएगा उसे, द कैट यहाँ पर ये द होगा, द कैट लव्स कम्फर्ट। एडवर्ब के रूप में द वाइजर ही इज द बेटर, द वाइजर ही इज द बेटर, तो जब इस तरह यूज होता है द मोर यू डू द मोर परफेक्ट यू विल बी, जब ऐसे यूज होगा तो एडवर्ब के रूप में। टिल का यूज देखते हैं, प्रेपोजिशन के रूप में नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कल पे मत टालो जो चीज़ तुम आज कर सकते हो, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, टिल मंडे, टिल संडे, ये प्रेपोजिशन हो गया। कंजंक्शन के रूप में डू नॉट स्टार्ट टिल आई गिव द वर्ड, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में भी दोस्तों यूज होता है, डू नॉट स्टार्ट टिल आई गिव अ वर्ड, जब तक मैं ना बोलूं तब तक स्टार्ट नहीं करो, जब तक का अर्थ जब देगा तब कंजंक्शन होगा। अप का यूज देखते हैं, प्राइसेज आर अप, एडवर्ब के रूप में हो गया, दाम बहुत ऊपर जा रहे हैं, प्रेपोजिशन के रूप में, लेट्स गो अप, आओ ऊपर चले, द हिल पहाड़ के ऊपर, ओके लेट्स गो अप द हिल, ये प्रेपोजिशन हो गया। एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, द नेक्स्ट अप ट्रेन, डाउन ट्रेन अभी आपने हमने देखा था, वहाँ पे डाउन क्या था, एडजेक्टिव था, अप ट्रेन अब देखिए, विल लीव हियर एट 12:30, तो अप ट्रेन यहाँ एडजेक्टिव के रूप में अप का यूज हो गया। नाउन के रूप में देखते हैं, दे हैड सम अप्स एंड डाउन्स, जब अप्स एंड डाउन्स के साथ यूज होगा तो नाउन के रूप में यूज हो जाएगा दोस्तों। वेल की बात करें, लेट वेल अलोन, वेल के रूप में लेट वेल अलोन सर्वाइव या कुछ भी आप आगे लिख लीजिए, तो यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हो गया। एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं दोस्तों, आई होप यू आर नाउ वेल, एडजेक्टिव यू आर वेल, ही इज वेल, जब इस तरह यूज होगा तो वेल क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब के रूप में वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन, तो यहाँ पे वेल बिगन, यहाँ पे बिगन की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, वेल बिगन इज हाफ डन। इंटरजेक्शन के रूप में वेल, हु वुड यू थॉट इट, अच्छा, वेल जब अच्छा का अर्थ दे तो वहाँ पे इंटरजेक्शन हो जाएगा। व्हाट का यूज देखते हैं दोस्तों, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं, व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट, व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट, व्हाट पेन यू राइट विद, तो जब इस तरह का यूज होगा, व्हाट व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कैसे भी यूज करो, व्हाट एविडेंस, व्हाट पेन,
व्हाट पेंसिल जब इस तरह यूज होगा तो वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा दोस्तों। इंटरजेक्शन के रूप में व्हाट यू डोंट मीन टू से सो, इंटरजेक्शन के रूप में व्हाट क्या, इंटरजेक्शन के रूप में जब यूज होगा तो ऐसे यूज होगा दोस्तों। फिर प्रोनाउन के रूप में देखते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट डज ही मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, व्हाट डज ही मीन, व्हाट डू यू डू, ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन गिव मी व्हाट यू कैन, गिव मी व्हाट यू कैन, जब इस तरह यूज होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। एडवर्ब के रूप में व्हाट बाय फायर एंड व्हाट बाय स्वॉर्ड द होल कंट्री वॉज लेड वेस्ट, व्हाट बाय फायर एडवर्ब के रूप में एंड व्हाट बाय स्वॉर्ड, जब इस तरह यूज होगा व्हाट बाय फायर एंड व्हाट बाय स्वॉर्ड द होल कंट्री वॉज लेड वेस्ट। व्हाइल सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल नाउन के रूप में थोड़ी देर के अर्थ में आएगा। वर्ब दे व्हाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, मनोरंजन करना बिताना व्हाइल अवे के अर्थ में आएगा तो वर्ब के रूप में। कंजंक्शन के रूप में व्हाइल अ ग्रेट पोएट ही इज अ ग्रेटर नॉवेलिस्ट, जबकि वो जबकि का जवाब दे, जबकि वो एक ग्रेट पोएट है फिर भी वो महान पोएट है लेकिन महानतर नॉवेलिस्ट है। व्हाई का यूज देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में देखते हैं, व्हाई डिड यू डू इट, व्हाई डिड यू डू इट, व्हाई डू यू गो, जब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में। रिलेटिव एडवर्ब के रूप में आई नो द रीजन व्हाई ही डिड इट, तो जब इस तरह यूज होगा व्हाई का तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इंट्रोजेक्शन व्हाई इट इज श्योरली नानक, अरे नहीं ये तो बिल्कुल नानक ही है, इंटरजेक्शन के रूप में। नाउन के रूप में देखते हैं दोस्तों, दिस इज नॉट द टाइम टू गो इनटू द व्हाई एंड द वेयर फोर ऑफ इट, अब भैया ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, व्हाई एंड वेयर फोर पे मत जाओ, जब इस तरह यूज होगा तो नाउन के रूप में होगा। यट एडवर्ब के रूप में यूज देखते हैं, देयर इज मोर एविडेंस यट टू बी ऑफर्ड, यट टू बी ऑफर्ड, देयर इज मोर थिंग्स यट टू बी डन, देर इज मोर हार्ड वर्क यट टू बी परफॉर्म, जब इस तरह यूज होता है तो एडवर्ब के रूप में। कंजंक्शन ही इज विलिंग यट अनेबल, ही इज विलिंग यट अनेबल, ही इज रिच यट डिसऑनेस्ट, जब इस तरह यूज होगा तो कंजंक्शन के रूप में यूज होगा। कौन सा कंजंक्शन आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, TGT 2021 में पूछा है, उसके बाद भी कई, उसके पहले भी कई एग्जाम्स में पूछा है, ये याद रखिएगा, तैयार रखिएगा दोस्तों, ठीक, ओके, बाय बाय।